मजबूत सरकार बनाए। देखिए एक सरकार वो भी थी जब पाकिस्तान ऐसा छोटा देश, कमजोर देश, कंगाल देश भारत के सैनिक का गला काट देता था और उसके सर को फुटबॉल की तरह बूट से ठोकर मारता था और भारत सरकार चुप रहती थी। और मोदी जी के शासनकाल में क्या हुआ? मोदी जी के शासनकाल में भारत के फौज का एक अधिकारी पैराशूट से पाकिस्तान की सीमा में गिर गया जिंदा। अभिनंदन। 24 घंटा के अंदर उसी पाकिस्तान ने जो भारतीय सैनिक का सर काट के बूट से ठोकर मारता था, उसी पाकिस्तान ने 24 घंटा के अंदर उस अधिकारी को जिंदा और इज्जत के साथ भारत को वापस किया कि नहीं किया? तो ये कमाल है कि नहीं है? मोदी का हनक, मोदी का धमक है कि नहीं है? और क्या हुआ होगा ऐसे ही पाकिस्तान ऐसा, मतलब हम उसको किन शब्दों में कहें कि वैसा पड़ोसी भगवान किसी को न दे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी देश मोदी ने क्या कहा होगा? मोदी ने यही कहा था कि अगर मेरा अधिकारी जिंदा सकुशल 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आया तो पाकिस्तान नाम का देश इस दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। जब ऐसा मसीहा मिला है तो हम 404 के 1984 के रिकॉर्ड को तोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी को 404 से भी अधिक सीटें जिताकर दिल्ली में पुनः एक मजबूत सरकार बनाए। वैसी मजबूत सरकार बनाए। देखिए एक सरकार वो भी थी जब पाकिस्तान ऐसा छोटा देश, कमजोर देश, कंगाल देश भारत के सैनिक का गला काट देता था और उसके सर को फुटबॉल की तरह बूट से ठोकर मारता था और भारत सरकार चुप रहती थी। और मोदी जी के शासनकाल में क्या हुआ? मोदी जी के शासनकाल में भारत के फौज का एक अधिकारी पैराशूट से पाकिस्तान की सीमा में गिर गया जिंदा। अभिनंदन। 24 घंटा के अंदर उसी पाकिस्तान ने जो भारतीय सैनिक का सर काट के बूट से ठोकर मारता था, उसी पाकिस्तान ने 24 घंटा के अंदर उस अधिकारी को जिंदा और इज्जत के साथ भारत को वापस किया कि नहीं किया? तो ये कमाल है कि नहीं है? मोदी का हनक, मोदी का धमक है कि नहीं है? और क्या हुआ होगा ऐसे ही पाकिस्तान ऐसा, मतलब हम उसको किन शब्दों में कहें कि वैसा पड़ोसी भगवान किसी को न दे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी देश मोदी ने क्या कहा होगा? मोदी ने यही कहा था कि अगर मेरा अधिकारी जिंदा सकुशल 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आया तो पाकिस्तान नाम का देश इस दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा।